कोई भी मनुष्य को कोई तब कह नहीं सकता कि ये सत्य बाप सत्य टीचर सत्य गुरु है। ज्यादा मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा कह सकता कि ये सत्य बाप है टीचर है सत्य गुरु है। और सब क्या है? और सब है गुरु लोग, और बाप है सत्य गुरु। सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वो शक्ति सदगति किसको दे नहीं सकते मनुष्य। शक्ति सदगति के बदले वो तो दुर्गति कर देते। वो लोग तो गुरु का अर्थ ही नहीं जानते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? जो सदगति करे वो गुरु। पहले काय की सदगति करेगा? पहले सदगति करता है मन बुद्धि रूपी आत्मा की, फिर शरीर की। बन सतगुरु निराकार कहा जाता है, लेकिन अकाल मूर्त भी कहते हैं। उसकी मूर्ति भी होती है, यानी मूर्ति में होता है मूर्त रूप में। मूर्त माना साकार, अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तो साकार में मूर्ति सतगुरु की होते हुए भी वो निराकारी स्टेज वाला बाप पहले आत्मा की सदगति करता है। आत्मा माना मन बुद्धि रूपी आत्मा, माना मन बुद्धि जो है वो मनन चिंतन मंथन वाली ऐसी बने जो देह और देह की दुनिया भुला दे और नई दुनिया याद आने लगे। नई दुनिया की प्लानिंग से ही बुद्धि में चलने लग पड़े, देह और देह के संबंधों की दुनिया भूल जाए। तो समझो आत्मा की मन बुद्धि की सदगति सदगुरु द्वारा हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, देह और देह के संबंधों में ही बुद्धि चलती रहती है, तो समझो कोई मनुष्य गुरु के द्वारा हमारी भी दुर्गति हो। तो मनुष्य गुरुओं में और भगवान बाप जो सतगुरु आकर के बनता है उसमें ये विशेष फर्क है। तो वो लोग गुरु का अर्थ नहीं जानते। गुरु का अर्थ ही है सदगति करने वाला, शक्ति गति, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सतगति हो, यानी मन बुद्धि में सत संकल्प चले, ज्ञान के संकल्प चले, दुष्ट संकल्प न चले, न अपने प्रति और न दूसरों के प्रति। सतगुरु की महिमा पहले तो हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत्य बाप सत्य गुरु और सत्य टीचर कैसे है। कैसे तो माना वो प्रोसीजर क्या है जो वो सत्य बाप सत्य गुरु और सत्य टीचर कहा जाता है। वो तो सर्वव्यापी के बात को खत्म कर देते हैं। परमात्मा को क्या कह देते? वो तो सर्वव्यापी है। माना मन सबके अंदर है। वो हमको भी प्रेरणा देता है, तुमको भी प्रेरणा देता है। मेरे अंदर भी पाप ने ऐसा ऐसी प्रेरणा दी, मेरे अंदर भी आया, तेरे अंदर भी आया। इसकर बुद्धियों में पत्थर बुद्धियों में भी परमात्मा समझ बैठते, जानवर बुद्धियों में भी परमात्मा समझ बैठते हैं। इसलिए परमात्मा के 24 अवतार बनाई थी। ये शूटिंग सब कहाँ होती है? सब ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सब बातों की शूटिंग होती है, हो रही है। तो जब परमात्मा बाप को जो कि एक व्यापी है, एक स्पेशल रूप धर करके आता है, सर्वव्यापी बन करके नहीं आता है, और उसको सर्वव्यापी जब कह देते हैं, समझ लेते हैं या साबित करते हैं, तो बात खत्म हो जाती। वो परमात्मा को अलग समझते नहीं है कि वो बाप है और हम बच्चे हैं।
क्या क्या कह देते हैं, आत्मा को परमात्मा, हम आत्मा ही तो सदगुरु है, तुम्हारी सदगति करने वाले हैं, हम ही माला बनाने वाले हैं। श्री श्री 108 दूसरा कोई अब माला बनाने वाला आने वाला नहीं है, अब हम ही नई दुनिया का संगठन बनाएंगे, दूसरा कोई इस दुनिया में परमात्मा अब है नहीं जो माला रूपी संगठन बनाए। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है गुरुओं के द्वारा, तो बाप और बच्चे ये बात खत्म हो जाती है, बाप और बच्चा समझना, बाप समझाते हैं ऐसे नहीं है, क्या कैसे नहीं है कि भीतर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है, तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर वो सत्य बाप सत्य टीचर सतगुरु एक ही है, सतगुरु और उन गुरुओं ने रात दिन का फर्क क्या करते हैं, वो अज्ञान अंधकार की रात कर देते और वो ज्ञान के सोधरा का दिन कर देते, वो झूठी झूठ बोलते रहते क्या, शास्त्रों के बारे में भी झूठी झूठ बोलते हैं, अपने बारे में भी झूठ बोलते हैं और परमात्मा के बारे में भी झूठ बोलते हैं। सतगुरु को कोई जानते ही नहीं, परम पिता परमात्मा निराकार ही सतगुरु है, ये कोई जानते ही नहीं कि निराकार भी है और सतगुरु कहते हैं, सतगुरु तो दलाल कहा जाता है ना, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार में होगा या निराकार बिंदु होगा, लेकिन वो निराकार कहा जाता है, फिर कहते हैं सतगुरु अकाल निराकार मूर्त, तो दोनों बातें कहते होंगे, इसका मतलब है कि निराकारी स्टेज वाला, तो निराकार सतगुरु कैसे है वो जानते हैं। गुरु लोगों ने तब सदगति की गुरुआई दिखाई हो तब उनको गुरु कहा जाए, वो तो एक ही है, क्या एक ही है, कौन जो सदगति की गुरुआई दिखाता है प्रैक्टिकल में, सदगति की गुरुगिरी क्या दिखाता है, सदगति करता है क्या, सदगति करता है किसकी सदगति करता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति प्रैक्टिकल में अनुभव में आती है, क्या अनुभव में आती है, जिन आत्माओं का भी वो सतगुरु बनता है प्रैक्टिकल में, तो उनको ये अनुभव होता है कि पहले हमारी मन बुद्धि की स्टेज क्या थी और अब हमारी मन बुद्धि की स्टेज क्या है, ये फर्क महसूस होता है। तो सदगति करने की गुरुआई सिखाई नहीं उन्होंने, ये बाप तो आकर के सिखाते हैं, वो गुरु एक ही है, उनको कोई नहीं जानते, अगर जानते हो सदगति करने वाले गुरु को अगर जानते हो तो वहां जा भी सके, कहां जहां वो सतगुरु सदगति करता है वहां जा भी सके, किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है, नहीं तो जानने से फायदा ही क्या हुआ, क्या क्या जाना जाता है, नाम को भी जाना जाता, रूप को भी जाना जाता, देश और काल सब को जाना जा सकता है। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती जिसका कोई नाम ना हो, और सदगुरु का भी नाम होता है, रूप ना हो, रूप जरूर होता है, सदगुरु निराकार कहा जाता है, तो जरूर उसका कोई रूप है, लेकिन वो तो कह देते हैं तो बिंदु,
तो बिल्ली कोई ऐसा रूप है जिसको आंखों से देख सके, भले इन आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन मन बुद्धि की आंख से तो पहचाना जा सकता है कि यही है यही है, न वो है न वो है न वो है। ये महात्मा हो सकते हैं, पाप आत्मा हो सकता है, पुण्य आत्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये भेद बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गए कि यही परमात्मा है, तो उसका रूप भी है देश भी है। परमात्मा का कोई देश है? शास्त्र में क्या गया हुआ है? नानी ग्रामी देश है, कौन सा देश गया हुआ है? इस देश का कोई नाम दिया है शास्त्र में? नहीं दिया। मगध देश ने हम नाम नहीं दिया है? मगध देश मुरली बोला है, मगध देश जहाँ के मनुष्य मगरमच्छों सदृश होते हैं। कैसे होते हैं? मगरमच्छ की तरह। हाँ, गंगा की सवारी कौन सी दिखाते हैं? मगरमच्छ। तो मगरमच्छों का देश है, अज्ञान की गंगा वहां बहती है। कौन सा देश है? मगध देश जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। और वो यादगार कहाँ दिखाई गई है? जहाँ परमात्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्मभूमि दिखाते हैं। कोई है? और कहीं नहीं दिखाते हैं, यूपी में ही दिखाते हैं, चाहे मथुरा को दिखाएं और चाहे अयोध्या को दिखाएं। तो उसका देश भी है और काल भी है। काल कौन सा है? संगमयुग में भी कौन सा पीरियड काल? पुरुषोत्तम संगमयुग, जहाँ पुरुषों में उत्तम से उत्तम कौन कौन है उनकी नंबरवार माला प्रत्यक्ष होने लग पड़े। क्या पुरुषोत्तम युग का मतलब? क्या पुरुष माने आत्माएं, उत्तम माने उत्तम से उत्तम आत्माएं जहाँ प्रत्यक्ष हो। संगमयुग तो बहुत लंबा होता है लेकिन पुरुषोत्तम संगमयुग बहुत लंबा नहीं होता। तो उसमें उत्तम से उत्तम नंबरवार माला के मन के प्रत्यक्ष होते हैं वो काल। तो इन सब बातों को जाना जा सकता है? नहीं तो जानने से फायदा ही क्या हुआ? मनुष्य सभी दुखी हैं इन सब बातों को न जानने के कारण।